करके विदाउट टमाटर टमाटो केचप किस तरीके से तैयार करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। टमाटो केचप तैयार होता है वो गाजर के पल्प से तैयार होता है। इसमें शामिल कर दिया फ्लेम को, बिल्कुल स्मूथ सा ग्राइंड करना आपने, ठीक हो गया। देखिए इसमें मीठे वाला केचप सेल होता है, तो कदरी का बताया, जब ज्यादा कद्दू का बगैर एवी बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। ये देखे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। मेरे भाइयों, कमाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं, अथेंटिक रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। कारोबार करने वालों के लिए गिफ्ट रेसिपी है। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, पहले मैंने आपको टमाटो केचप की रेसिपी दी जो मैंने टमाटर के साथ तैयार की, लेकिन मुझे कॉल्स आ रही थी कि विदाउट टमाटर टमाटो केचप किस तरीके से तैयार करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। मुकम्मल गाइड करने वाला हूं मेरे भाइयों, तवज्जो से देखिएगा। विदाउट टमाटर जो टमाटो केचप तैयार होता है वो गाजर के पल्प से तैयार होता है और कद्दू के पल्प से तैयार किया जाता है। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जब टमाटर महंगा होता है टमाटो केचप महंगा नहीं होता, वो इसलिए महंगा नहीं होता कि वो टमाटो केचप जो है वो गाजर के पल्प से और जो है ना कद्दू के पल्प से तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ फ्रूट्स के जो पल्प हैं उससे भी तैयार किया जाता है। आज मैं आपको गाजर के पल्प से तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके लिए मैंने आप 2 किलो यहाँ पे गाजरें ले ली और इसको छील रहा हूँ अच्छे तरीके से, छील के इस तरीके से साफ कर लेना है, धो लेना है अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। गाजरों को अच्छे तरीके से वाश कर लिया, छील लिया और इस तरह टुकड़ों में मैंने काट लिया, ठीक है। ये पल्प तैयार होने लगा है गाजर का, गल समझ आ रही है मेरी, तवज्जो ना होने के गल सुनने आ जाए मेरी। आपको फार्मूला मैं दे रहा हूँ, कम या ज्यादा आप इसको कर सकते हैं। मैं 2 किलो का फार्मूला आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप उसको 10 किलो का करना चाहें, 20 किलो का आप कर सकते हैं। 2 किलो गाजरें साफ करके पैन में डाल दी, 2 लीटर पानी इसमें शामिल कर दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया, इसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल करना है जब तक गाजर गल नहीं जाते। बिस्मिल्लाह, ऊपर से कवर कर दिया, ठीक हो गया। जी ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें हमारे पूरे तरीके से टेंडर हो चुके हैं, गल चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। ये तकरीबन हमें 35 मिनट लग गया, ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको रख दिया, आपने पूरी तरीके से इनको गलाना है, बस ये बात ध्यान में रहे। ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें, देख रहे हो इस तरीके से ये पूरे तरीके से गल चुके हैं, ये देखें, ठीक हो गया। अब इनको ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद किस प्रोसेस से गुजारने आप मेरे साथ रहेंगे। ये लें जी, इसके साथ की जूसर मशीन ले ली, जग ले लिया, इसको इसमें डाल के जब इसकी हीट निकल गई हमने इसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल स्मूथ सा ग्राइंड करना आपने, ठीक हो गया। देखें इस तरह इसमें डाल दें, कोई मसला नहीं है, पानी भी नाल दे गाजरा भी नाल, गल समझ आ गई। यहाँ पे ले आए इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कहेंगे मैं भाई मैंने कोई गल दसी है तुहानू, मैंने तकरीबन 1.5 मिनट चलाया इसको, ठीक है। आपके पास इस तरह की हैवी जूसर मशीन होनी चाहिए, ये इस कंडीशन में आ गया। देखें अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये देखें, देखो मैं मेरे तो दिखा रहा हूँ, ठीक हो गया। इसको अलग से इस तरह पैन में निकालते रहें, ये सब मैं इस तरीके से ग्राइंड कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये ले जी, मैंने सारा ये पल्प था, ये पल्प तैयार हो गया गाजर का, ठीक हो गया। इसी तरीके से पल्प जो है ना, जो जापानी फल जिसे आप कहते हैं उसका भी तैयार हो सकता है, सेब का भी तैयार होता है, उससे भी टमाटो केचप बनता है, कद्दू का पल्प तैयार होकर उससे भी टमाटो केचप बनता है। भाई मेरे, जहाँ तक मेरे पास इलम है इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, आप टेंशन ना लिया करें, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके 50 ग्राम मेरे पास इमली थी, मैंने उसको गर्म पानी में भिगो के रख दिया, ठीक हो गया। 1 घंटा पहले इसका पानी इसमें डालना, ठीक हो गया। आपको बताने के लिए मैंने नीचे से चूल्हे के जो है ना फ्लेम को वो बंद किया हुआ है, अभी ऑन नहीं है, इसमें शामिल कर दिया। अब यहाँ पे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, ये मेरे पास जैंथम गम है, 2 टेबलस्पून, गवार गम भी इसे कहा जाता है, जैंथम गम भी कहा जाता है। ये देखें, ये मार्केट से मिल जाती है, लेकिन आपने इसको क्या करना है, गर्म पानी है ये मेरे पास, ठंडा पानी नहीं है, ये आधा मग्गा है, ठीक है, 1 पाव इसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है गर्म पानी में, ठंडे पानी में जो है ना अगर आप इसको मिक्स करेंगे गुठलियां बन जाएंगे, ठीक हो गया। ये 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करके गर्म पानी में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। देखो अब इसका कमाल, ये देखें ये किस तरीके कंडीशन में आ गया, ठीक हो गया। ये देखें इस तरह का ठीक हो गया, ये
गवार गम या जैंथम गम, जो भी आप इसको नाम दे रहे हैं, हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि लम्स वगैरह ना रहे कोई भी, ठीक हो गया। अगर आपसे इस तरीके से नहीं होता तो आप गर्म पानी डाल के जो है ना जूसर वाले जग में डाल के उसमें भी इसको मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया, मीडियम फ्लेम कर लिया इसका, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके अंगूरी सिरका 2 टेबलस्पून अंगूरी सिरका ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये कुटी हुई मिर्च, ये कोई चिल्ली सॉस या चिल्ली केचप तैयार नहीं हो रहा, लेकिन टमाटर के बीज और कुटी हुई मिर्च जो होती है उसके बीज आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए ये मिक्स की जाती है ताकि पता चले कि टमाटर नाल बने हुआ है, गल समझ आ रही है। 1 टेबलस्पून ये शामिल कर दें, लेकिन ये चिल्ली केचप नहीं है, ये बात आपके ध्यान में रहे। इसको मिक्स कर दें, पता लगेगा कि टमाटर का बनाया तुसे। टाटरी 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे आके सोडियम बेंजोवेट साबित, अगर देखो तो इस तरीके से होता है ये शक्ल में, ये देखें सोडियम बेंजोवेट, ये भी फूड की केमिकल से मिल जाता है, ठीक हो गया। गवार गम, जैंथम गम, सोडियम बेंजोवेट ये वहीं से मिलेगा। 1/2 टेबल स्पून ये शामिल कर दें इस टाइम, ठीक हो गया। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, इसको थोड़ा सा बॉयल आने दें, पकने दें। अभी मैंने गवार गम या जैंथम गम जो है ना वो शामिल नहीं की इसमें, ये जहन में रहे आपके। सोडियम बेंजोवेट मैंने पिसा हुआ डाला है, बात समझ आई, ये मैंने ग्राइंड करके अलग से रखा हुआ है, साबत नहीं दब देना, पिसा पीस के उसका पाउडर फॉर्म में बना के फिर डालना है। ये ना जी ये पकने लग गया अच्छे तरीके से, जब ये गर्म हो जाए, ठंडा नहीं जहन च रहेगा, गर्म जग में डाल दें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि ये जो जैंथम गम या गवार गम है ये मैंने अच्छे गर्म पानी में मिक्स की हुई थी इस कंडीशन में आके, ठीक हो गया। इसको मजीद हम इसमें डाल के इसको ग्राइंड करेंगे ताकि हमें गुठली नहीं चाहिए बिल्कुल केचप में, ठीक हो गया। फिर इसमें डाल लें, ये देखें ये इस तरीके की हो जाती है, देखें यहाँ देखो, ठीक हो गया। इसमें अच्छे तरीके से डाल दें और इसको ग्राइंड कर लें अच्छे तरीके से। ग्राइंड करने के बाद जैंथम गम या गवार गम एक कोई नान है दो दे इसमें शामिल करते हैं, सुभान अल्लाह, अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं है। और इसको अच्छे पकने दें यहाँ पे, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने दें इसको मीडियम फ्लेम पे। ये इस टाइम पे आके रूपा या DPS इसका नाम है इंग्लिश है, अगर देखो तो DPS शुगर का काम करता है, ये गल समझ आ रही, गल मुका रहे हैं सारी गल्ला तो तफसील नाल दस रहे हैं। आप इसका कारोबार करें, मेरे मुंह की तरफ करो भाई कैमरा, इसका कारोबार करें बाहर, चिप्स वालों को, रेडी वालों को, ठेले वालों को ये बना करके दें, सस्ता पैंदा है। DPS या रूपा 50 ग्राम शुगर का काम करेगा, शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, ठीक हो गया। इस तरीके से कोई मसला नहीं है। ये देखें रूपा डाल के इसको मिक्स कर लिया, पकने लग गया, फ्लेम को हल्का कर दें, दम वाली फ्लेम पे ले आएँ। यहाँ पे अगर कैमरामैन दिखा सके, एक गिलास ले लें, थोड़ा सा पानी डाल लें, इसके अंदर हमने रेड फूड कलर शामिल करना है। अब कितना शामिल करना है जिस तरह का आपको समझ आए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। गिलास में शामिल करना है इसको रेड फूड कलर को, 1/2 टेबल स्पून मैंने किया, ठीक हो गया। जितना डलेगा डलेगा, बकाया हम बचा लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। ये हर काम प्रोसेस को मिक्स करने का मकसद ये है कि गुठलियाँ ना बने केचप में, ठीक हो गया। शामिल कर दें, देखें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चस्के तो हुण बन गए, ऐ वेखो हैं, ये देखें। अभी मेरे मुझे लगता है कि कलर कम है, थोड़ा सा और डालें इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ये देखें पूरा पूरा गल दसेगा बाबा, ऐ तो नहीं, और डाल दें कलर, या जैसा कलर आप करना चाहते हैं आपके इलाके के हिसाब से, डार्क है जैसा भी है आप करना चाहते हैं कर लें। ये देखें मुकम्मल इस तरीके से तैयार हो गया, ठीक हो गया, बन गया, ये बात समझ रहे हैं, ये देखें ठीक हो गया, तैयार हो गया। इतना काफ़ी है, मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। इस टाइम पे आके टमाटो फ्लेवर मार्केट से मिल जाता है, टमाटो फ्लेवर ये देखें इस तरह शीशी में मिल जाता है टमाटो फ्लेवर के नाम से, 1 टेबल स्पून इसमें डाल दें, ये देखें इस तरीके से इसमें डाल दें, फ्लेम को बंद कर दें और इसमें डाल दें, ठीक हो गया। इसको मिक्स कर दें, ये टमाटो फ्लेवर मिक्स हो गया, देवेश गल समझ आ गई। अब इसको ठंडा होने दें थोड़ा सा, फ्लेम को बंद कर दिया, ये माशाल्लाह बहुत कमाल की
और बहुत थिक जबरदस्त किस्म की टमाटो केचप तैयार हो चुकी है। जो रूपा मैंने इसके अंदर शामिल किया, इधर करो कैमरा, मैंने रूपा जो मैंने इसके अंदर शामिल किया वो 50 ग्राम था और 50 रुपए का लेके आया था मैं। महंगी चीजा नहीं है देवे, जड़ी दबियां ने, गल समझ आ रही है। 50 रुपए का था, 50 ग्राम मिला था, वो मैं ले आया। रूपा नाम है उसका, DPS के नाम से भी है, मैंने आपको दोनों नाम उसके बता दिए। और रूपा डालने के बाद जितना रूपा आपने डाला है, जब ये ठंडा होना शुरू होता है थिकनेस में भी आता है और रूपा अपनी मिठास काम भी करता है। अगर आप मेरे पास यहाँ मौजूद होते तो मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाता और मिठास भी दिखाता। कमाल किया, ठीक हो गया। वैसे आप अपने इलाके के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शामिल करते हैं इसमें बाउल में इस तरीके से। सुभान अल्लाह, ये देखें किस तरीके से। अगर आपको लगे कि मीठा ज्यादा है तो कम होना चाहिए तो कम कर दें। अगर आपको लगे नहीं, हमारे इलाके में तेज मीठे वाला केचप सेल होता है तो तेज मीठे वाला करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, पहले मैंने आपको टमाटर से किस तरीके से टमाटो केचप बनता है उसका तरीका बताया। अब मैंने आपको गाजर के पलप, कद्दू वगैरह का जो है ना उसका तरीका समझाया सारा। मजीद जो नेक्स्ट रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, ओदे विच पलप भी किसी चीज का नहीं पाएगा इंशाल्लाह, ना गाजर का ना कद्दू का, बगैर एवं बन जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें इस तरीके से इसको डिश आउट कर दिया। इस तरीके के जार ले लें, अपना यहाँ पे जो है नाम के स्टिकर लगवाएं और पैकेट बनाएं जिस तरह आपको दिल चाहे, लेकिन ठंडा होने के बाद आपने पैकेट में या बोतल में सेव करना है। मुकम्मल आपको गाइड कर दिया, बगैर पल्प से गाजर का पल्प भी नहीं बेच पाएगा, कद्दू का भी नहीं पाएगा, किसी चीज का नहीं पाएगा, फिर भी केचप तैयार हो जाएगा। वो किस तरीके से तैयार होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक वो रेसिपी भी पहुंच जाएगी। मुकम्मल गाइड कर दिया आपको कि पल्प से मुख्तलिफ गाजर का या कद्दू का या सेब का किस तरीके से आप उससे टमाटो केचप तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो कारोबार करो, कारोबार करने तो बाद मैंने दुआवां देवो, उस तो बाद चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों में रिश्तेदारों में, जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। ठीक हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और शेफ रामेश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।